नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। मिथिलांचल के लोगों को सपना दिखाया गया था चुनाव से पहले। विपक्षियों ने तो सीधा सरकार पर ही आरोप लगाए थे, ये केवल चुनाव का स्टंट है। लेकिन एयरपोर्ट खुला, एयरपोर्ट से प्लेन आने जाने लगी, कई शहरों में प्रमुख शहरों के लिए भी अब हवाई यात्रा प्रारंभ होगी। उसके बाद फिर प्रारंभ हुआ कि दरभंगा के हवाई यात्रा के लिए जो यात्री आते हैं, उन यात्रियों के लिए वहां किस तरह की सुविधा मुहैया कराई जाए। उसके बाद दरभंगा के बड़े बड़े नेता इस पर लग गए, कई अपने कोषों से, ऐच्छिक कोष से भी वहां पर दे करके व्यवस्था करने लगे। हालांकि भूमि अधिग्रहण एवं कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य अभी भी वहां बाकी है, लेकिन एक बार जब यात्रा प्रारंभ हो गई तो ये लगातार चल रही है और इस पर लोग लगातार यात्रा करने के लिए मिथिलांचल के कम से कम 15 जिलों से यहाँ पहुंच गए। ये सबसे खुशी का विषय है कि दरभंगा के जो एयरपोर्ट है उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकसित होने के बाद मंत्री संजय झा ने भी की है और इस संबंध में मंत्री संजय झा भी लगातार प्रयासरत है। यही नहीं, एयरपोर्ट के नामकरण को लेकर के भी जब राजनीति चली, वहां पहले ही मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि यह विद्यापति एयरपोर्ट होगा और बिहार कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिलने के बाद इसे केंद्रीय कैबिनेट के पास भेज दिया जाए, जिसे लगभग माना जाए तो मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने भी 14.5 लाख रुपए अपने ऐच्छिक कोष से इस धूप और बारिश के बचाव के लिए यात्री शेड को दिया। इसे विकसित करना और भी आवश्यक है क्योंकि अब यह पटना के बाद या कहें तो पटना से अधिक राजस्व देने वाला एयरपोर्ट बन गया, इसलिए यहाँ सुविधा अवश्य होनी चाहिए और सुविधा को लेकर के लोग कहते हैं। लेकिन एक सवाल आज भी कृति आजाद ने ही उठाया था और भी लोगों ने उठाया था, नेताओं ने, कि पहले कहा जाता था कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला यात्री दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान भरे, वो कैसे होगा जबकि राजस्व के दृष्टिकोण से और भीड़ के दृष्टिकोण से देखते हुए इसके जो शुल्क है वो अधिक है, जो कि पटना से भी अधिक हो गए। तो देखिए रिपोर्ट। मिथिलांचल का एक सपना था और यहाँ के नेताओं ने एयरपोर्ट को लेकर के बड़े बड़े सपने जो जनता को दिखाए थे, उन सपनों को साकार होने के बाद अब उसमें और विकास और सुविधाओं के लिए पहल आवश्यक है, जिसमें मिथिलांचल के सांसद से लेकर के मंत्री संजय झा और मुख्यमंत्री ने खुद इसमें पहल करते हुए यहां व्यापक सुविधा जनता के लिए मुहैया कराई है। अब यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में विकसित होगा। इसके अलावा यहां अन्य वायु सेवा भी मिथिलांचल के इस एयरपोर्ट से कार करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है, जो कि व्यावसायिक रूप से भी मिथिलांचल का दरभंगा एयरपोर्ट अब विकसित हो चुका है। दरभंगा एयरपोर्ट का जल्द ही कायाकल्प होगा। इसकी रूपरेखा पहले से ही खिंची हुई है, इस पर तेजी से काम चल रहा है। जल्द ही दरभंगा एयरपोर्ट पर मूलभूत सुविधाओं का विस्तार देखने को मिलेगा। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल चुकी है। इसके तहत दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्री शेड, चार दीवारी, व्यू कटर, फेसिंग आदि का काम पूरा किया जाएगा। वर्तमान में एयरफोर्स के गेट नंबर 1 से दरभंगा एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन तक जाने में धूप, बारिश आदि परेशानियों से यात्रियों को जूझना पड़ता है। यात्री शेड बन जाने से बारिश और धूप से यात्रियों को निजात मिलेगी। इसके अलावा एयरफोर्स की चार दीवारी को भी ऊंचा किया जाएगा, इस पर व्यू कटर लगाया जाएगा ताकि बाहर से अंदरूनी भाग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो सके। वहीं इस संबंध में दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएन ने बताया कि दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्री शेड के साथ साथ चार दीवारी को ऊंचा करने, व्यू कटर लगाने और फेसिंग आदि कार्य के लिए प्रकरण तैयार है, जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट पर मूलभूत सुविधाओं के बढ़ने से यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। इसके अलावा जिला प्रशासन की ओर से बाकी बचे शेष कामों पर तीव्र गति से काम चल रहा है। इसमें नए टर्मिनल भवन के निर्माण और
रनवे के विस्तार को लेकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शामिल है। इसे हरी झंडी मिलते ही नए टर्मिनल भवन और रनवे विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को अविलंब शुरू किया जाएगा। वहीं आपको यह भी बता दें कि इसे लेकर सांसद निधि से यात्री शेड लगाने की भी पहल की गई है। गौरतलब है कि जिला प्रशासन की ओर से दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर की जाने वाली भूमि अधिग्रहण संबंधी फाइल एयरफोर्स को पहले ही भेजी जा चुकी है, लेकिन अब तक एयरफोर्स की ओर से इसके लिए हरी झंडी नहीं दी गई है। भूमि अधिग्रहण संबंधी फाइल पर यदि एयरफोर्स की ओर से सहमति मिल जाती है तो नए टर्मिनल भवन और रनवे विस्तार का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके बाद जिला प्रशासन की ओर से जमीन अधिग्रहण का काम शुरू होगा। बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन और रनवे विस्तार को लेकर कुल 78 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। इसमें 54 एकड़ जमीन में टर्मिनल भवन का निर्माण कराया जाएगा, जबकि 24 एकड़ भूमि में रनवे का विस्तार होगा। अब सवाल यह है कि मिथिलांचल का एकमात्र विकसित होने वाला दरभंगा एयरपोर्ट, जिसका नाम आचरण को लेकर के विद्यापति एयरपोर्ट की चर्चा बिहार के कैबिनेट से केंद्रीय कैबिनेट तक जा चुकी है और इसे लगभग स्वीकृति भी मिल चुकी है। अब विद्यापति एयरपोर्ट के और विकसित होने और यात्री सुविधाओं के लिए बराबर सांसद के द्वारा भी इसमें राशि दी गई है यात्री शेड के लिए। वही मंत्री संजय झा ने भी दरभंगा एयरपोर्ट के विकास के लिए मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री से संपर्क कर पहल भी प्रारंभ कर दी है, ताकि उत्तर बिहार का ही नहीं बल्कि बिहार का यह पहला एयरपोर्ट हो जो राजस्व और यात्री सुविधा में भी अव्वल आए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज, दरभंगा।